पे मैनेजर पर टीए बिल बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाएंगे, यहाँ से हमें टीए मेडिकल बिल्स चूज करना है। इसके बाद हमें यहाँ एम्प्लॉय टीए बिल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही ये विंडो खुलती है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एडिट बिल और न्यू बिल। हमें नया बिल बनाना है, इसलिए हम न्यू बिल को सेलेक्ट करेंगे। इस वाली टेबल में हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है बिल का टाइप। हम बना रहे हैं टीए बिल, यहाँ डालना है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर अगर हमारे पास है, जैसे इसमें ऑर्डर नंबर है 793803, यहाँ पे डलेगी ऑर्डर की डेट। ये ऑर्डर जिस डेट में हुआ है, ये जो ऑर्डर जिस डेट में हुआ है वो 13/5/23। तो हमें यहाँ से चूज करनी है 13/5/23। 13/5/23 हो गए। यहाँ हमें करनी है ऐड जनरेट। जैसे ही अगली टेबल खुलती है, इसके अंदर हमें अपनी डिटेल्स डालनी है, हम कहाँ से गए। जैसे इस वाले ऑर्डर के अंदर हम अजमेर से, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है अजमेर से। तो यहाँ हमें देखना है इसका रवानगी डेट। सबसे पहले हमें देखनी है रवानगी डेट। यहाँ से ये बता दें अजमेर से रवानगी हुई है यहाँ पे 5:10 पे 14 तारीख को। हाँ, यहाँ से रवानगी हुई 14 तारीख को 5:10 पर। 5:10 पर और जो बीकानेर जाके आमद हुई है वो ये 14 तारीख में 12:30 पर। हुई है। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है किस व्हीकल से अपन गए हैं, बस से गए हैं किसी से। गवर्नमेंट व्हीकल से जब गए हैं तो हमें गवर्नमेंट व्हीकल लगाना है। अगर हम रोडवेज बस वगैरह से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो वो विवरण डालना है। इसके बाद यहाँ हमें राजस्थान कुछ नहीं करना है, हम गए हैं राजस्थान में अदर पैलेस ऑन स्टेट। अगर हम जयपुर में आते हैं तो स्टेट कैपिटल आएगा, और उसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं तो ये अदर पैलेस ऑन स्टेट आएगा। फिर यहाँ से हमें बीकानेर की दूरी डालनी। जैसे यहाँ से अगर बीकानेर की दूरी अपन देखते हैं तो लगभग जैसे 350 डालते हैं, वो मैप में चेक करके फिर ये डाल सकते हैं अपन। यहाँ हमें लिखना है COHRMBK ऑर्डर नंबर 793/803 डेट। इस ऑर्डर में ऑर्डर डेट है 13/5। तेरह
2023 हमें कर दिया है, यहाँ हमें कर देना है सबमिट। ओके रिकॉर्ड्स, ये हमारा जाने का प्रोग्राम सेट हो गया। अब उसके बाद में हमें वापस आना है। अब हमें वापसी रवानगी हमें चेक करनी है। यहाँ से हमारी रवानगी हुई है 18:05 के अंदर, 8 AM पर, 8 AM पर 18:05 को रवानगी हुई है। तो हमें यहाँ डेट डालनी है 18 को 8 AM पर डाली, और फिर 18 को ही हमारी आमद हुई है। आमद का टाइम पीरियड है 17:15 पर हमारी आमद हुई है, 17:15। व्हीकल हमारा वही गवर्नमेंट व्हीकल है, और वही हमें यहाँ पे अदर प्लेस एंड स्टेट रखना है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमें वही 200-250 जो भी अपना किलोमीटर है वो किलोमीटर फिक्स लिखना है। और यहाँ पे हमें और आए या बार ड्यूटी आए जो भी अपन लिख सकते हैं। ये हमारे 5 दिन का ट्रिप बन चुका है, यहाँ 250 रुपये के हिसाब से अपने 1250 रुपये बने हैं। इसे हमें सबमिट कर देना है। यहाँ ये सबमिट हो चुका है। यहाँ सबमिट होने के बाद हमें आना है, एग्जिट हो जाना है यहाँ से। जैसे हम एग्जिट होंगे अपने फ्रंट पेज पे आ गए हैं। यहाँ से हमें अपने जो हमने टी बिल बनाया उसको डाउनलोड करना है। तो ये सेकंड नंबर पे है टीए मेडिकल, यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है टी बिल। इसके बाद हमें जो अपने लास्ट लास्ट में जो बिल बनाया है हमने 1250 का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ हमें इसे डाउनलोड करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है ये अपने पास आ गया। हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं। इसमें अपना आराम से चेक कर अजमेर से बीकानेर से इसमें अपनी ये डेट और टाइम वगैरह सब चेक कर लें। यहाँ हमने किलोमीटर जो भरा था, ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये सेम करना है अपने को, 350-350 ही करना है। और नीचे जैसे ये टाइम आ गया, और इसके बाद में ये 5 दिन है इनका, 1250 रुपये अपना बन रहा है, ये ऑल अमाउंट बन रहा है। यहाँ हमने सब कुछ किया है, सब ओके। अगर इसमें कुछ जैसे ये डिफरेंस आ रहा है 350 का, तो अभी इस डिफरेंस को अपन सही कर सकते हैं। कुछ भी मिस्टेक हो उस मिस्टेक को अपन सही कर सकते हैं। टेबल में जाएंगे, यहाँ हमें वापस अपने टी बिल में जाना है, एम्प्लॉय टी बिल। यहाँ हमें जो बिल अपने बनाया है उस बिल को सेलेक्ट करना है, एडिट बिल में जाना है। और यहाँ हमारे जो दूसरे वाले बिल के अंदर किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था, इस डिफरेंस को हमें सही करना है 350, और बस इसे अपडेट कर देना है। जो मिस्टेक हो उसे हम वापस अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ से वापस एग्जिट आ जाता है। यहाँ हमें वापस अपने उसी बिल को डाउनलोड करने के लिए वापस जाना है, जो लास्ट वाला बिल था। यहाँ हमें देखना है, यहाँ पे 350 आ गया। बाकी अहमद रवान के उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की है, सेम ऐसा कैसा है, पूरा बिल बन चुका अपना। इसके बाद हमें करना है बिल को फॉरवर्ड।
यहाँ जाके बिल फॉरवर्ड, इस जगह अपने को टेबल सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन चूज करना है, यहाँ भी हमें टेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ हमें ओके करना है बॉक्स में, और अपलोड के अंदर जाना है। अपलोड में जैसे ही पॉपअप खुला, इसके अंदर अपने को चूज फाइल करनी है। यहाँ से हमें अपने फाइल्स में जाना है। फाइल्स में अपने पास जो ऑर्डर नंबर था 793-803, इसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ इसे सबमिट कर देंगे। ये सबमिट हो गया है। अगर डाउट रहता है कि भाई ये मैंने सही डाउनलोड किया या नहीं, तो इसे अपन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं कि सही डाउनलोड हुआ या नहीं, कहीं गलत ऑर्डर तो इसमें नहीं हो, हमारा वही ऑर्डर इसमें डाउनलोड हुआ है। तो हम इसे एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर वो अपलोड हो चुका है, अब हमें इसे फॉरवर्ड कर देना। यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद में ये बिल यहाँ से हट जाएगा और ये आगे DDO को फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड बिल होता है उसको अपन अगर चेक करना है स्टेटस में जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ हमें अपने कोई भी बिल है उस बिल को टाइम किस टाइम पे उसको बनाया गया है उस टाइम को डाल के और उसे अपन सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर बिल फॉरवर्ड हो चुका है तो फिर बिल यहाँ पे फॉरवर्ड दिखाएगा, और बाकी प्रोसेस अभी नहीं हुई है तो यहाँ क्रॉस दिखा रहा है। अगर हो जाएगी तो यहाँ सब जगह गुड का निशान आ जाएगा, राइट हो जाएगा। तो गाइस यही थी, टेबल कंप्लीट हो गया।